तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे जो नोट दिखाई दे रहा है 5 रुपीज का ट्रैक्टर इशू नोट है या 5 रुपीज का ट्रैक्टर वाला नोट है, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं व्यूअर्स हैं सबके पास ये नोट अवेलेबल होगा, 70% लोगों के पास ये नोट होगा। और बहुत से लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, जीमेल पे इमेजेस भेजी इस नोट की और बोला कि सर इस नोट की वैल्यू हमें 50,000 से 1,00,000 तक चाहिए। और ये उनको ये नहीं पता कि ये नोट जो है बहुत ही कॉमन है, इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती है और बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और जो चीज सबके पास अवेलेबल है उसकी वैल्यू ज्यादा कैसे हो सकती है। बस यूट्यूब पे कुछ ऐसी फेक वीडियोस हैं जिसमें इस नोट की वैल्यू 10,00,000, 1,00,000 ऐसे बहुत ज्यादा ज्यादा बताई गई हैं। और इंस्टाग्राम पे भी कुछ रील्स हमने देखे जिसमें इस नोट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बताई गई है। उस चीज को लोग देख करके हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर इस नोट की वैल्यू हमें 50,000 से 1,00,000 दिला दीजिए और आप भी कुछ कमीशन रख लीजिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें नोट बहुत ही कॉमन नोट होता है, सबके पास जो चीज अवेलेबल है उसकी वैल्यू नहीं होती है। और इस नोट की अगर वैल्यू की हम बात करते हैं तो अगर ऐसे नोट बंडल में यानी यूएनसी कंडीशन में जो 100 नोट का पैकेट आता है, नहीं आपने देखा होगा 100 नोट का जो नए कंडीशन नोट का जो 100 नोट का पैकेट आता है यानी बंडल आता है उसमें 100 नोट होते हैं, उस वैसी कंडीशन में अगर आपके पास नए कंडीशन में नोट रखे हैं तो उस 100 नोट की वैल्यू 750 से लेकर 850 के बीच में होती है। डिपेंड करता है कि नोट पे कौन से गवर्नर का साइन है और कुछ चीजें और डिपेंड करती है, लेकिन ऐसे अगर आपके पास यूज कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन में अगर 1-2 नोट रखे हुए हैं और उस नोट का आप 50,000 से 1,00,000 तक मांग रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं, नोट कोई भी आपसे नहीं खरीदेगा क्योंकि ये चीज सबके पास अवेलेबल है। तो ऐसी वीडियोस के चक्कर में आ करके अपने नोट बेचने के उसमें ना रहिए कि नोट बिक जाएगा और आपको लखपति बना के चला जाएगा नोट, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा करेंगे आप और हर जगह सारी वीडियोस पे अपने नंबर्स फोन नंबर्स कमेंट करेंगे तो इससे ये चांसेस हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं जो घूम रहे हैं आपके नोट का 50,000 से लेकर 1,00,000 तक वैल्यू दिलाने का वादा करके आपसे रजिस्ट्रेशन फीस ले लेंगे 2,000 से 3,000 तक, और रजिस्ट्रेशन फीस लेने के बाद से आपको ब्लॉक कर देंगे। तो ऐसी चीजों में ना पड़े क्योंकि ऐसा कोई भी नोट और कॉइन नहीं है जो आपको लखपति रातों रात बना दे या करोड़पति बना दे। तो इन सब चीजों से बचे, और जो रियलिटी में जो कलेक्टर है जिनको इस बारे में नॉलेज है उनको अच्छे से पता होगा कि ये जो नोट है बहुत ही कॉमन होता है और बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ये जो नोट है इसके बारे में जो सच्चाई आपको बताई जाए। वैसे तो इस नोट के बारे में पहले भी वीडियो बना चुके हैं, उसपे सारी चीज सारी स्पेसिफिकेशन कौन से गवर्नर का नोट रेयर होता है किसकी क्या वैल्यू होती है उस वीडियो में ये चीज बताई हुई थी। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लगती हैं। अगर आपके पास भी 5 रुपए का नोट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और आपको इसकी वैल्यू कितनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग अभी भी होंगे जिनको 50,000 से 1,00,000 चाहिए होगी। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें,